हेलो एवरीवन, सांवले सपनों की याद। यह है पार्ट। मैं आज आपको इसमें वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो आप अपने नोट्स जो हैं स्क्रीनशॉट से भी तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्री जाबिर हुसैन का जन्म किस ज़िले में हुआ था? उनका जन्म हुआ था नालंदा ज़िले में। ऑप्शन सी जो है नालंदा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, जाबिर हुसैन किस ज़िले से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? तो वह यहाँ आंसर जो है वो मुंगेर है, मुंगेर से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, श्री जाबिर हुसैन कब बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए थे? तो इसका सही जवाब है सन 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री हुसैन की कौन सी रचनाएं सबसे ज़्यादा चर्चित हुई? उनकी डायरियां जो लिखते थे वहाँ सबसे ज़्यादा चर्चित हुई हैं। प्रश्न है, सांवले सपनों की याद है एक क्या है? ये एक संस्मरण है, ध्यान रखना। संस्मरण यानी किसी की याद में कुछ जब लिखा जाता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। सालिम अली कौन थे? सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो उत्तर सी है सही जवाब। प्रश्न आता है, लेखक ने सालिम अली के इस सफ़र को तमाम सफ़रों से भिन्न क्यों बताया है? इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह तनावहीन था। प्रश्न है, श्री कृष्ण ने रासलीला कहाँ रचाई थी? उत्तर ऑप्शन डी है, वृंदावन में रासलीला जो है उन्होंने रचाई थी, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न आता है, श्री कृष्ण ने अपनी शरारतों का निशाना किसे बनाया था? तो उन्होंने गोपियों को शरारतों का निशाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो आपको पता ही है, जाबिर हुसैन की बात चल रही है, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न आ जाता है, जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ? तो सन 1945 में उनका जन्म हुआ था, ये ऑप्शन ए जो है वो सही है, सन 1945 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री कृष्ण ने किस अंदाज में बांसुरी बजाई थी? तो सही उत्तर है, दिल की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बांसुरी बजाई थी। प्रश्न आ जाता है, आज वृंदावन की कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से संबंधित घटनाओं का स्मरण दिला देती है? इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, तो यहाँ उत्तर ए आएगा, नदी का सांवला पानी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, लेखक ने सालिम अली के शरीर की कमजोरी का कारण किसे बताया है? उनकी लंबी लंबी जो यात्राएं थी ना, उसके कारण उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट ज़रूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट बार और भी अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस बता सकूं। तो जो है प्रश्न आता है, लेखक ने सालिम अली की मौत का कारण किस बीमारी को बताया? तो कैंसर से उनकी मौत हुई थी, सही जवाब है कैंसर। उसके बाद प्रश्न आता है, मौत अंतिम समय तक सालिम अली की क्या चीज़ छीनने में सफल नहीं हो सकी थी? तो उनकी आँखों की रोशनी जो है यहाँ पर छीनने में सफल नहीं हो सकी थी, ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है, आँखों की रोशनी। प्रश्न आता है, सालिम अली का जीवन किसके प्रति समर्पित था? तो यह जो प्रश्न है इसका सही जवाब है, पक्षियों की हिफाजत के प्रति उनका जीवन समर्पित था, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद प्रश्न आता है, लेखक ने सालिम अली को
क्या कहा है? तो यहाँ पर उन्हें वर्ड वॉचर कहा है, ये जवाब सही है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। प्रश्न आ जाता है, लेखक के अनुसार सलीम अली किन लोगों में से थे? तो प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वालों में से थे, ऑप्शन ए है यहाँ पर सही जवाब। उसके बाद प्रश्न आता है, सलीम अली के लिए प्रकृति क्या थी? तो उनकी रहस्यमयी दुनिया जो थी वह प्रकृति यहाँ पर थी, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन आता है, डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? तो सही उत्तर है फ्रीडा लॉरेंस, यहाँ पर ये उनकी पत्नी का नाम है। और प्रश्न आता है, सलीम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल कर दिया था? तो उन्होंने एयर गन से घायल किया था, सही जवाब है एयर गन, तो ये है। इसके बाद प्रश्न आता है, मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी थे, यहाँ पर सही जवाब है चौधरी चरण सिंह, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न आता है, सलीम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है ऑप्शन ए फॉल ऑफ ए स्पैरो। प्रश्न आता है, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किसके व्यक्तित्व का चित्र अंकित किया है? तो जैसा कि आपको पता भी है कि पक्षी विज्ञानी जो हैं यहाँ पर उनका चित्रण किया गया है, तो सही उत्तर है पक्षी विज्ञानी का, ऑप्शन डी। प्रश्न है, सलीम अली साहब की जीवन साथी कौन थी? तो उनका नाम था तहमीना, तहमीना उनका नाम था, ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न आता है, मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे चौधरी चरण सिंह। सलीम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। प्रश्न आता है, जाबिर हुसैन का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नालंदा ज़िले में। प्रश्न आता है, जाबिर हुसैन किस ज़िले में विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? मुंगेर में। श्री जाबिर हुसैन कब बिहार विधानसभा के सभापति चुने गए थे? सन 1995 में। आपको मैंने ये सारे प्रश्न बताए हैं सांवले सपनों की याद के लिए, इनमें से आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।